15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ, इस स्वतंत्रता के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई, एक संघर्ष नया शुरू हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष समाप्त हो गया, वो भारत की अवधारणा की लड़ाई का संघर्ष प्रारंभ हो गया। भारत कोई नया राष्ट्र है क्या? भारत अनेक राष्ट्रों का समूह है क्या? अंग्रेज भारत में नहीं आते तो क्या यह राष्ट्र नहीं बनता? दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ये जो कुछ करंट सिनेरियो में हमको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से हम सब देशभक्त लोगों का मन कभी कभी व्यथित होता है, ये कोई नई बात नहीं है। वास्तव में ये जो अवधारणा की लड़ाई है, यही महत्वपूर्ण है। जिन दिनों पिछले दिनों ये सीए की सारी डिबेट चल रही थी, इस सारी डिबेट के अंदर मैं जब विचार कर रहा था तो कहां बात आकर खड़ी हो रही थी, कपिल सिब्बल साहब का एक स्टेटमेंट था थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के जो कठिन प्रयास उन्होंने किए, ये भारत जिसका नाम ही विविधता है उसको एक रखने के लिए अगर उनको ये समझ होती, उसके प्रति श्रद्धा होती, तो उनको समझ में आता कि हिंदुत्व इस देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। अर्थात कांग्रेस नहीं आता तो यह विविधता एकता में नहीं बदलती, ये कांग्रेस के प्रयासों से हुआ है। और हिंदुत्व खड़ा हो जाएगा तो किन के समर्थन में वो बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे भारत तेरे टुकड़े हो गए, उनका समर्थन करते हुए वो ये बातें बोल रहे थे। कारण क्या है? ये सब अवधारणा की लड़ाई है। फ्री कश्मीर, इंशाअल्लाह, इंतकदा, उनके साथ खड़े होकर बोलने वाले कपिल सिब्बल साहब के लिए हिंदुत्व एक अभिशाप है। वास्तव में ये जो 2019 का साल है, तीन बातों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस भारत की अवधारणा की लड़ाई की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं इस महीने के अंदर घटी, इस वर्ष के अंदर घटी हैं। पहली, 5 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो उनको शक्तियां प्राप्त थी उसका उपयोग करते हुए भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करते ही इस देश की एक ऐतिहासिक घटना घटी। भारत की अवधारणा क्या है? वन नेशन वन पीपल। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपने संविधान की रचना करते हुए उसका जो प्रीएम्बल बना, उसका पहला वाक्य था वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हम भारत के लोग ये शब्द नहीं है, ये भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि अपना समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, मत पंथ भाषाएं जाति, ओनली लैंग्वेज ओनली रिलीजन ओनली रीजन कैन नॉट बी द ओनली आइडेंटिटी। जिस दिन ये भारत का संविधान लागू होगा, आज के बाद हमारी एक आइडेंटिटी होगी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं कोई नीची जाति का नहीं, भाषा मत पंथ रीजन ये सब एक तरफ है, आज के बाद हमारी एक आइडेंटिटी है हम भारत के लोग। इसको पहला धक्का लगा 1952 में जब शेख और नेहरू ने मिलकर समझौता कर लिया और उस समझौते में तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, वहां पर तिरंगा नहीं लहरेगा, वहां के डिनोमिनेशन भी सदर रियासत और वजीर आजम अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल वो जो वजीर आजम होगा, सदर रियासत होगा, वो राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करेगा, दैट विल बी इलेक्टेड बाय देयर असेंबली। जैसे ही आया, उस समय जम्मू कश्मीर के प्रजा परिषद का अद्भुत आंदोलन शुरू हुआ। गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में भारत का संविधान, एक देश में एक निशान एक विधान, ऐसे लोगों पर लाठियां चली, गोलियां चलाई गई, 18 से ज्यादा लोग बलिदान हो गए, संसद में अभूतपूर्व चर्चा हुई। नेहरू जी ने कहा शेख को ऐसा लगता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू कश्मीर जो है, हिंदू मेजोरिटी भारत, कल को क्या होगा, उनको कुछ विशेष प्रावधान चाहिए, उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संसद के अंदर उन्होंने कहा यह पाकिस्तान का निर्माण इसी पर तो हुआ है,
क्या एक और विभाजन होगा? उन्होंने कहा, मैं नेहरू जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि भारत के 4.5 करोड़ मुसलमान जिस भारत के संविधान के अंतर्गत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जम्मू कश्मीर के 25 लाख मुसलमान उस संविधान के अंतर्गत अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करते? क्या एक एरिया मुस्लिम मेजोरिटी होगा तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होंगे क्या? भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे काला दिन था 14 मई 1954, जिस दिन भारत के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया जिस ऑर्डर के अंतर्गत भारत के संविधान के 100 से ज्यादा आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गई। आर्टिकल 35 है जैसा आर्टिकल संविधान में बिना संसद में गए डाल दिया गया। भारत के वी द पीपल ऑफ इंडिया डिवाइडेड इंटू टू ऑन दैट डे। एक वी द पीपल ऑफ इंडिया हु आर रेजिडेंट ऑफ जेएनके, एक वी द पीपल ऑफ इंडिया हु आर नॉट रेजिडेंट ऑफ जेएनके। उस दिन दो भारत के संविधान हो गए, एक भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर का है लिए है, एक भारत का संविधान जो भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत के लिए है। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का अंतर्गत समाप्ति हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया बिकम वन, होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री दैट ऑल्सो बिकम वन, वो 5 अगस्त को हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास का स्वर्णिम दिन था, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। 7 अगस्त को अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो गया। दूसरी घटना घटी, 10 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण है।